बड़वानी जिले में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस और जय भीम सेवा समिति के नेतृत्व में सरदार चौहान और गुलालिया कनासिया के मार्गदर्शन में गुजरात राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS द्वारा IPC एक्ट का उल्लंघन करते हुए बबीता कश्यप और दो अन्य बिरसा अरैया सामू अरैया को नक्सली बताकर गिरफ्तार कर लिया है। तीनों की जल्द रिहाई की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी संगठनों ने कहा कि आदिवासी महिला बबीता कश्यप के पास तमाम संवैधानिक जानकारियां होने के कारण आदिवासी समुदाय के लोग अपने अधिकारों को जानने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में IPC तथा CRPC का विस्तीकरण अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के शासन प्रशासन और नियंत्रण के अनुरूप नहीं किया गया है। इन्हीं कारणों से ATS द्वारा आदिवासी महिला पर की गई कार्यवाही षड्यंत्र दिखाई दे रही है। अतः देश के जनजातीय हितों को देखते हुए बबीता कश्यप और दो अन्य लोगों को तत्काल मुक्त किया जाए। पलसू से जाहिर डुडवे की रिपोर्ट। क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण तथा भारत सरकार के अधीन विविध विधियों में जनजाति संरक्षण के अनुपालन में माननीय महोदय सभी ने निवेदन हस्तक्षेप नहीं किया है, नहीं करती थी। इन्हीं कारणों से जनजाति क्षेत्रों में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।